चलिए आइए अब हम लोग इंग्लिश का एक और चैप्टर पढ़ते हैं, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन एक प्रकार का जानवर होता है जिसको हम लोग हिंदी में बिच्छू कहते हैं। रीड द पोएम वंस। ये पोएम को एक बार आप पढ़िए। इट इज अबाउट द नाइट व्हेन द पोएट्स मदर इज बिटन बाय अ स्कॉर्पियन। इस पोएम में हम लोग उस रात के बारे में बात करेंगे जब जो पोएट है, जो कवि है, उसकी मम्मी को एक बिच्छू ने काट लिया था। बिटन मतलब काट लिया था। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाई अ स्कॉर्पियन। मुझे आज भी वो रात याद है जब मेरी मम्मी को एक बिच्छू ने काट लिया था। स्टंग करना मतलब काट लेना, ये स्टिंग का पास्ट टेंस है। 10 hours ऑफ स्टेडी रेन हैड ड्रिवन हिम टू क्रॉल बीनीथ अ सैक ऑफ राइस। 10 घंटे से बारिश हो रहा था और इसके वजह से क्या हुआ, वो जो बिच्छू है वो चावल के नीचे चला गया। सैक ऑफ राइस, सैक का मतलब थैला, तो जो चावल की बोरी रखी थी उसके नीचे, बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, ठीक है, और क्रॉल मतलब रेंगते हुए। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम ही रेस्ट द रेन अगेन। अब देखिए, आप अगर बिच्छू देखे होंगे तो उसका जो टेल होता है, ठीक है, वो डायबॉलिक होता है और वो पॉइजनस होता है। वो रूम बहुत अंधेरा है जहाँ पर ये हो रहा है काम, और वो क्या करता है, ही ड्रिज द रेन अगेन, ठीक है, बारिश में वो निकलता है और रूम में आ जाता है जहाँ पे चावल की बोरी है। द पीजेंट्स केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज एंड बर्स्ट द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द एविल वन। अब देखिए, पीजेंट्स, ऐसे अभी हम लोग आगे इसका समरी पढ़ेंगे। पीजेंट्स होते हैं किसान। किसान आए, स्वॉर्म्स, SWARMS, स्वॉर्म्स का मतलब क्या है, झुंड में, बहुत सारे झुंड में। देखिए, स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज, फ्लाइज क्या होता है, मक्खी, जैसे मक्खी झुंड में आते हैं वैसे ही किसान भी झुंड में आए और भगवान का नाम लिए ताकि जो पॉइजन बिच्छू जो काटता है उससे जो पैरालाइज हो जाता है, ठीक है, सुन पड़ जाता है, उससे छुटकारा मिल सके, वो जो दर्द है वो ठीक हो सके, वो जो काटने से दुष्प्रभाव पड़ेगा वो ठीक हो सके। विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स थ्रोइंग अ जायंट स्कॉर्पियन शैडो ऑन द मड बेक्ड वॉल्स दे सर्च्ड फॉर हिम ही वॉजंट फाउंड। अब देखिए, जो बड़ा जो बिच्छू है उसका परछाई, शैडो मतलब परछाई, ठीक है, अब कहाँ ये परछाई आ रहा है, मड बेक्ड वॉल्स। अब ये कुटिया की बात की है जहाँ पे जो दीवार है वो मड है, मतलब वहाँ मिट्टी की दीवार है वो। दे सर्च फॉर हिम, कौन खोज रहे हैं, वो जो किसान है वो लोग खोज रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिला, ही वॉज नॉट फाउंड, कौन नहीं मिला, स्कॉर्पियन। दे क्लिक्ड देयर टंग्स विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन माई मदर्स ब्लड दे सेड। अब देखिए, उसकी मम्मी को, पोएट की मम्मी को काट चुका है वो स्कॉर्पियन, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो लोग अपना जीप काट रहे थे, ठीक है, और क्लिक देयर टंग्स, ठीक है, उसके बाद स्कॉर्पियन जितना मूवमेंट करेगा, जितना चलेगा मेरी मम्मी के शरीर में, उनके खून में, उतना ही उसका जहर फैलेगा, ये वहाँ के लोग बोलते थे। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ दे सेड। अब देखिए, सफरिंग, सफरिंग करने का मतलब क्या होता है, आप जो कष्ट से गुजर रहे हो, जो पीड़ा से गुजर रहे हो, वो लोग प्रे करते हैं कि आप जो कष्ट से गुजर रहे हो, जो पीड़ा से गुजर रहे हो, वो दूर हो जाए, ठीक है, और बोल रहे हैं कि आपका जो मिसफॉर्चून है, मिसफॉर्चून का मतलब दुर्भाग्य है, ये आपका पिछले जन्म का कुछ पाप है, ठीक है। मी द सम ऑफ एविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गॉड बिकम डिमिनिस्ड बाय योर पेन, ठीक है। अब ये एविल का मतलब क्या होता है, एविल का मतलब होता है शैतान, ठीक है, बुराइयों से, जिन बुराइयों से, जिन हानियों से आप को ये दर्द मिला है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है, जितना आप पाप किए थे उसकी सजा आपको मिल गई, और जो बोल रहे हैं अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, और जितना आप अच्छाई किए हैं उससे आपका ये दर्द कम हो जाए। कहने का मतलब, जो बुराई है उसके वजह से आपको क्या मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, और जो आप अच्छाई किए हो उससे आपका दर्द कम हो जाए।
मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन दे सेड एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर। वो ये विश कर रहे हैं कि ये जो जहर है वो आपके शरीर को, आपके खून को साफ कर दे और आपका जो स्पिरिट है, आपकी आत्मा, वो भी शुद्ध हो जाए। और वो ये बोलते हैं और मेरी मम्मी के बगल में सब बैठ जाते हैं और उनकी मम्मी कहाँ है, बीच में है एकदम। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। अब देखिए सबके चेहरे पे एक पीस का है, मतलब शांति है। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। बहुत कैंडल्स जल रहे थे, बहुत लालटेन जलाया जा रहा था, बहुत पड़ोसी आए, बहुत इंसेक्ट्स, बहुत सारे जानवर आए और बारिश वो रुक ही नहीं रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट। अब मेरी मम्मी दर्द से वो जो मैट था, चटाई, उस पर कहर रही थी, वो इधर उधर हो रही थी। माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग पाउडर मिक्सचर हर्ब हाइब्रिड। अब मेरे पिताजी जो कि स्केप्टिक हैं, स्केप्टिक का मतलब क्या होता है, स्केप्टिक का मतलब होता है उलझन में, ठीक है, वो बहुत ही उलझन में थे। रैशनलिस्ट, रैशनलिस्ट का मतलब क्या होता है, रैशनलिस्ट का मतलब होता है तर्कवादी, वो हर चीज़ में तर्क करते थे। वो यहाँ पे ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स वो कर रहे हैं, कर्स वो कर रहे हैं, ठीक है, अभिशाप दे रहे हैं कि ये ठीक हो जाए मेरी मम्मी, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, पाउडर मिक्सचर हर्ब हर एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मेरी माँ वो जो स्कॉर्पियन का पॉइजन है उससे बच जाए। ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन अपॉन द बिटन टो एंड पुट अ मैच ऑन इट। अब वो क्या किए थे, देखिए यहाँ पे काटा कहाँ गया था, अंगूठे में, ठीक है, वहाँ पे पिताजी ने पैराफिन डाला। पैराफिन मतलब तेल होता है, ठीक है, किरासन का तेल। तो ये माना जाता है कि बिच्छू जहाँ काट लिया है वहाँ पे किरासन का तेल डाल के अगर आप थोड़ा माचिस लगा देंगे, उसको जला देंगे, तो असर नहीं रहेगा, वो पॉइजन खत्म हो जाएगा। आई वॉश द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, आई वॉश द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकैंटिनेशन, इनकैंटेशन, ओके। अब वहाँ पर मैं खड़ा होकर क्या देख रहा था, फ्लेम, जो आग निकलती है, वो फ्लेम कहाँ लगा है, मेरी मम्मी के ऊपर, ठीक है। और वहाँ पे जो होली मैन है, जो पंडित जी हैं, वो अपना रिचुअल्स कर रहे हैं, वो अपने मंत्र पढ़ रहे हैं ताकि उनकी मम्मी ठीक हो जाए। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। लगभग 20 घंटा बाद वो जो काटा हुआ था वो खो गया। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रेन। और मेरी मम्मी ठीक हो गई और वो भगवान को धन्यवाद कर रही थी कि अच्छा हुआ जो बिच्छू है वो मुझे काटा, मेरे बच्चे को नहीं काटा। अब इसके पोएट कौन है, नसीम इज़ेकियल। अब चलिए हम लोग इसका समरी देखते हैं। समरी ऑफ द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज द स्टोरी ऑफ वन नाइट इन विच द मदर ऑफ द स्पीकर इज स्टंग बाई अ पॉइजनस स्कॉर्पियन। अब ये देखिए जो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन पोएम है उसमें क्या हो रहा है, ये स्टोरी में जो स्पीकर है उनकी मम्मी को एक बहुत ही जहरीले बिच्छू ने काट लिया था। शी सफर्स फॉर 20 आवर्स वाइल पीजेंट्स, होली मैन एंड हर हस्बैंड अटेम्प्ट टू हील हर। वो 20 घंटे तक दर्द में थी और जो किसान थे, जो वहाँ पे पंडित जी आए थे और मेरे पिताजी, उनके हस्बैंड, मेरी मम्मी के हस्बैंड, वो सब ये कोशिश कर रहे थे ताकि उनको ठीक कर दिया जाए। दे ट्राई कर्सेस, ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स, हर्ब्स एंड ऑल फॉर्म ऑफ एंशियंट मेडिसिन दैट आर नॉट प्रैक्टिस इन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। वो लोग हर एक चीज़ ट्राई कर रहे थे, कर्स कर रहे थे, अभिशाप दे रहे थे उस बिच्छू को, उन मम्मी के लिए प्रेयर कर रहे थे, ब्लेसिंग्स दे रहे थे, हर एक तरह का जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर रहे थे और जो एंशियंट मेडिसिंस है, वेद शास्त्र में जो मेडिसिंस होते हैं, ठीक है, जड़ी बूटी, वो सब इस्तेमाल कर रहे थे जो आज मॉडर्न वर्ल्ड में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देयर एफर्ट्स आर इन वेन। अब वो जितना भी मेहनत कर रहे थे वो व्यर्थ था, वो किसी काम का नहीं था। अ सेंस ऑफ अदर वर्ल्डलीनेस
is created by the beliefs and practices of these peasants in comparison to the world in which the reader is existing. A barrier is put up. अब वहाँ पे जो किसान थे वो ये सोचते थे कि ये जो बिच्छू काटा है ये इसलिए काटा है क्योंकि ये आपको आपके पाप का सजा दे रहा है, आप जो गुनाह किए थे उस गुनाह का सजा है ये. This barrier is torn down as the poem concludes and the reader realizes how similar they are to the characters in the poem, united by their common humanity. अब ये जो बैरियर था ये लास्ट में टूट जाता है जब पोएम ख़त्म होने वाला रहता है और जो रीडर है वो ये रियलाइज़ करता है कि कैसे सब कुछ जो कैरेक्टर है पोएम में वो उन्हीं की तरह है. हर जगह पर ये जो कॉमन ह्यूमैनिटी है एक ही जैसे लोगों का सोच हो जाता है और सब एक जैसे ही हैं. अब चलिए इस पोएम का एनालिसिस करते हैं हम लोग. नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एनालिसिस. दिस पोएम बिगिंस एट द बिगनिंग with the speaker starting the story of how his mother was stung by a scorpion. अब ये जो poem start होता है वहाँ पर जो speaker हैं वो ये बताते हैं कि किस तरह से वो बिच्छू उस उनकी मम्मी को डस लेता है, काट लेता है. Ezekiel does not use unnecessary phrasing or extra words. He gets right to the point. Ezekiel जो इसके speaker हैं यहाँ पे वो कोई भी अननेसेसरी फ्रेज या वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं. इट डिस्क्राइब्स हाउ द स्कॉर्पियन हैड बीन ड्रिवन इनसाइड बाय स्टेडी रेन एंड हैज डिसाइडेड टू हाइड बीनीथ अ सैक ऑफ राइस. वो ये बताते हैं कि बहुत बारिश हो रहा है जिसके वजह से वो बिच्छू घर के अंदर आता है और चावल की बोरी के नीचे छुप जाता है. दिस फर्स्ट स्टैंजा इज ओनली 4 lines, अ चॉइस Ezekiel मेक्स टू अर्ज द स्टोरी फॉरवर्ड. अब ये जो फर्स्ट स्टैंजा है वो 4 line का है, उसके बाद Ezekiel ये सोचते हैं कि इस स्टोरी को और आगे बढ़ाया जाए. अ क्विक सक्सेशन ऑफ स्टैंजास अलाउज फॉर द पोयम टू फ्लो फास्टर. अब इसके बाद कुछ और स्टैंजास ऐड किए जाते हैं, दोहा, इसको इंग्लिश में हिंदी में दोहा कहा जाता है, और इससे क्या होता है जो पोयम है वो आगे थोड़ा तेज हो जाता है. द सेकेंड स्टैंजा प्रोसीड्स इन द सेम वे बट दिस टाइम विद ओनली 3 lines. तो जो हमारा सेकेंड स्टैंजा है उसमें सिर्फ 3 line होता है. इन दिस स्टैंजा Ezekiel's स्पीकर डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द स्कॉर्पियन. अब इसमें जो स्पीकर हैं वो स्कॉर्पियन का एक्शन बताते हैं. ही पोर्ट्रेज द क्रिएचर एज बींग पर्पजफुली डायाबोलिकल. अब देखो डायाबोलिकल का मतलब क्या होता है, शैतानी, ठीक है. वो ये बोलते हैं कि ये जो क्रीचर है ये बिच्छू ये शैतानी होते हैं. अ थॉट दैट इट विल डायरेक्टली रिलेट टू द बिलीव्स एंड एक्शंस ऑफ दोज दैट अटेंडेड द स्पीकर्स मदर. ठीक है, अब ये एक सोच है जो कि डायरेक्टली जो स्पीकर है उसकी मम्मी के बिलीफ और एक्शंस पे रिलेशन रखती है. द स्कॉर्पियन मूव्स क्विकली बिफोर एनी वन कैन डू एनी थिंग ही पार्ट विथ हिज पॉइजन एंड रन्स बैक आउटसाइड टू रिस्क द वेदर अगेन. अब जो स्कॉर्पियन है वो बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग जाता है इससे पहले कि कोई उसे देख पाए, और वो अपने ज़िंदगी को फिर से रिस्क में लाता है. वो वापस उस रेन में चला जाता है, बारिश में चला जाता है. थ्रू आउट दिस पीस Ezekiel मेक्स अ नंबर ऑफ लैंग्वेज चॉइसेस दैट कंटिन्यूज टू रेफरेंस द मूवमेंट एंड पार्ट्स ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट्स. अब पूरे ये जो पोयम है इसमें Ezekiel जो हैं स्पीकर आप बोल सकते हो, पोएट बोल सकते हो, वो बहुत तरह का लैंग्वेजेस यूज किए हैं ताकि वो जो रेफरेंस दे रहे हैं वो मूवमेंट और पार्ट्स का, अलग अलग इंसर्ट्स का वो दिखा सके. दीज डिस्क्रिप्टर्स आर वेरी प्रेवलेंट इन द थर्ड स्टैंजा. इट डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द पीजेंट्स एज बीइंग लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज दे बस्ट गॉड्स नेम्स इन अ होप टू पैरालाइज द एविल वन. अब यहाँ पे वो जो किसान हैं उनके काम को, उनके एक्शंस को बता रहे हैं जहाँ पे किसान झुंड की तरह आए थे और वो सब मिलके भगवान का नाम ले रहे थे ताकि ये जो शैतानी बिच्छू है उसका असर ख़त्म हो जाए. द इमेज दैट Ezekiel क्रिएट्स हियर इज क्लियर. द रीडर कैन ईजली विजुअलाइज अ स्वॉर्म ऑफ पीपल कमिंग डाउन ऑन द स्पीकर्स मदर with all good intentions but perhaps so numerous that no one can do anything that would help. अब देखिए यहाँ पे जो समझाया गया है उससे ये क्लियर हो रहा है
कि बहुत सारे लोग एक झुंड में, लोग स्पीकर के मम्मी के पास आए हैं। सबका उद्देश्य अच्छा है कि उनकी मम्मी ठीक हो जाएं, लेकिन इतने ज़्यादा लोग हैं कि कुछ किया नहीं जा सकता, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। दे आर ऑल डिवोटेड टू द सेम पर्पस, प्रेइंग इन द होप ऑफ सेविंग द मदर। वो जितने लोग हैं सबका एक ही काम है, सब एक ही चीज़ सोच रहे हैं। वो लोग भगवान से प्रे कर रहे हैं कि उनकी मम्मी बच जाए। दे बिलीव दैट शी हैज बीन इन्फ्लेक्टेड बाई द एविल वन और द डेविल एंड प्रे इन एन एफर्ट टू ड्राइव हिम आउट। अब ये लोग को ये लग रहा है, वो जो भीड़ है, वो जो किसान है, जो लोग, उनको ये लग रहा है कि मेरी माँ को शैतान ने काटा है, और वो लोग ये प्रे कर रहे हैं कि मेरी माँ के अंदर से वो शैतान निकल जाए। द पीजेंट्स केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज एंड बज द नेम ऑफ गॉड्स 100 ऑफ टाइम्स। द फोर्थ स्टैंजा कंटेन्स 7 लाइन्स एंड डिस्क्राइब्स द हंट दैट द पीजेंट्स एम्बार्क ऑन इन एन एफर्ट टू फाइंड द स्कॉर्पियन। अब आगे फोर्थ स्टैंजा में क्या है, जो किसान है वो क्या कर रहे हैं, जो बिच्छू है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एम्बार्क का मतलब होता है लगना, किसी चीज को चालू करना। तो यहाँ पे क्या चालू हो रहा है, उस बिच्छू को खोजना चालू हो रहा है। दे सर्च विद बोथ कैंडल्स एंड लैंटर्न्स विच थ्रो शैडो ऑन द वॉल इन द शेप ऑफ अ स्कॉर्पियन। अब वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग कैंडल जलाए थे, लैंटर्न जलाए थे, ताकि जो दीवार है उस पर स्कॉर्पियन का शैडो जैसा आए। दिस इमेज ऑफ द स्कॉर्पियन स्टिल बींग इन द रूम ओनली इन द फॉर्म ऑफ शैडो हेल्प सेट द सीन फॉर द नेक्स्ट लाइन एज द पीजेंट स्ट्रगल टू हेल्प द मदर। अब ये जो स्कॉर्पियन का इमेज है, ठीक है, ठीक है, शैडो ही की जैसा है, मतलब परछाई जैसा ही है, वो क्या कर रहा है, आगे का सीन के ऊपर जा रहा है, नेक्स्ट लाइन्स की तरफ जा रहा है, जहाँ पे जो किसान है वो इस बात के जद्दोजहद में है, स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो माँ है उसका मदद किया जा सके। द शैडो इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर प्रिमिटिव फियर्स दैट समथिंग एविल इज लर्किंग जस्ट वेयर दे कैन नॉट सी इट। अब जो शैडो है, जो परछाई है, वो ये बता रही है कि वहाँ पे लोग डरे हुए हैं। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो आदमी है वो डरे हुए हैं, ठीक है। प्रिमिटिव फियर्स, फियर्स मतलब डरना। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, दैट समथिंग एविल इज लर्किंग जस्ट वेयर दे कैन नॉट सी। लर्किंग का मतलब होता है गुप्त होना, छुपा हुआ होना। तो कुछ ऐसा शैतानी शक्ति है जो छुपी हुई है, जो कोई देख नहीं पा रहा है। द फोर्थ स्टैंजा कंटिन्यूज एंड द सर्च फॉर द स्कॉर्पियन हैज फेल्ड। दे डू नॉट नो एज द रीडर डस दैट द स्कॉर्पियन फ्लेड द हाउस एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम। अब जैसे ही फोर्थ स्टैंजा आगे बढ़ता है, तो जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, उनको बिच्छू नहीं मिलता है, क्योंकि उनको नहीं पता। लेकिन जो रीडर है उसको पता है कि जो बिच्छू है वो बिगनिंग ऑफ द पोएम, स्टार्टिंग में ही काट के बाहर चला गया था। दिस पुट्स द रीडर इन अ पोजिशन अबव दोज इन द पोएम। ही और शी हैज अ ग्रेट नॉलेज ऑफ द सिचुएशन दैन दोज एक्सपीरियंसिंग इट। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो रीडर है वो एक हायर पोजिशन में आ गया पोएम में, ठीक है। उसको उन लोगों से ज़्यादा पता है जो लोग उस पोएम में हैं। अ टेक्निक दैट ऑन स्टेज और विद इन ड्रामा इज नोन एज ड्रामेटिक आयरनी। अब ये जो टेक्निक है, जो ऑन स्टेज होता है या ड्रामा में होता है, कि जो किरदार है उनको नहीं पता, लेकिन जो देख रहा है उनको कहानी पता होता है, इसको ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। द पीजेंट से दैट विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड। अब जो किसान है वो ये बात बोलते हैं कि जितना भी स्कॉर्पियन चलता है, चलेगा, जितना भी मूवमेंट करेगा, उतना ज़्यादा जो जहर है वो माँ के खून में मिलता जाएगा। दिस गिव्स द रीडर द सेंस दैट दे बिलीव इफ दे आर एबल टू कैप्चर एंड किल द स्कॉर्पियन द मदर विल बी क्योर्ड। अब देखिए यहाँ पे रीडर को क्या समझ में आता है कि वहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों को क्या लगता है कि अगर वो लोग बिच्छू को पकड़ लिए और मार दिए तो जो माँ है वो ठीक हो जाएंगी। अ सिंपल प्रिमिटिव बिलीव that the reader would very well know to be unfounded, once again elevating the reader's position above
डाटा ऑफ पीजन्स। अब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है, और जो बिलीव है, जो रीडर को पता है कि उन लोग को कभी भी बिच्छू नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ फिर से जो रीडर है वो किसानों से ऊपर पोजीशन में, कहने का मतलब रीडर को किसान से ज़्यादा पता है यहाँ तक। द फिफ्थ पैराग्राफ ऑल्सो सेवन लाइन्स होल्ड्स द पोएम्स मोमेंटम स्टडी। आप देखिए जो फिफ्थ पैराग्राफ है उसमें क्या है, उसमें है सात लाइन, सेवन लाइन्स है, और यहाँ पे जो पोएम का मोमेंटम है वो नियमित है, वो स्थिर है। द पीजेंट्स विश द स्कॉर्पियन बी स्टिल्ड बट ऑफर अ बिट ऑफ कॉन्सोलेशन फॉर द मदर। आप जितने भी वहाँ पे किसान हैं वो ये प्रे कर रहे हैं, ठीक है, कि जो बिच्छू है वो कहीं रुका हो, ठीक है, और मेरी माँ को कॉन्सोलेशन दे रहे हैं। कॉन्सोलेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सोलेशन का मतलब होता है सांत्वना देना, ठीक है, तसल्ली देना। दे डीप इन देयर सुपरस्टिशन से टू द मदर दैट द पोजीशन विल बर्न अवे द सिंस ऑफ हर प्रीवियस बर्थ एंड डिक्रीज द सफरिंग ऑफ हर नेक्स्ट बर्थ। अब देखिए अंधविश्वास में वो लोग भरे हुए हैं और वो माँ को कहते हैं कि ये जो तुमको जहर मिला है, ये जो दर्द मिला है, इससे तुम्हारे पिछले जन्म में किए गए पाप का ये प्रायश्चित है, और तुम्हारा जो अगला जन्म होगा उसमें जो तुमको कष्ट मिलेगा वो भी कम हो जाएगा। दिस इज अ रेफरेंस टू द ट्रेडिशनल हिंदू बिलीफ ऑफ री इनकारनेशन। अब देखिए जो ट्रेडिशनल हिंदू बिलीफ है, जो लोग बहुत लोग हैं जो आपका अंधविश्वास को बिलीव करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे पुनर्जन्म का बात कर रहे हैं। ड्यू टू देयर लोली सोशल का स्टेटस इट वॉज बिलीव दैट द मदर मस्ट हैव कमिटेड सम काइंड ऑफ ग्रीवियस सिन टू बी कंडेम्ड टू दिस लाइफ एंड दैट परहैप्स दिस सफरिंग शी इज गोइंग थ्रू विल इम्प्रूव हर चांसेस ऑफ बींग री इनकारनेटेड इंटू अ हायर पोजिशन इन हर नेक्स्ट लाइफ। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जो माँ के संग ये हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि उनका जो पिछला जन्म था वो जरूर वहाँ पे कुछ ऐसा काम की होंगी, कुछ ऐसा पाप की होंगी जिसका सजा उनको इस जन्म में मिल रहा है, और इस जन्म में जो इनको ये दर्द मिला है इससे उनके आने वाले जो जिंदगी होगा, उनका फिर से जो जन्म होगा वो उनको अच्छा मिलेगा और वहाँ पे उनको कष्ट कम मिलेगा। This stanza continues into the next in which the speaker continues relaying the words of the peasants. अब देखिए ये जो stanza है वो आगे बढ़ता है जिसमें जो speaker है वो किसानों का ही बात बोल रहे हैं। They wish that the pain the mother is experiencing will purify her flesh of desire and your spirit ambition. अब उनको क्या लगता है कि ये वो लोग ये pray करते हैं, wish करते हैं कि जो माँ को दर्द हो रहा है, ये दर्द उनके शरीर को, उनके चमड़े को, उनके खून को साफ कर दे, प्योरीफाई कर दे। द पीजेंट्स हैव गिवन अप देयर सर्च फॉर द स्कॉर्पियन एंड नाउ आर सिटिंग अराउंड द मदर विथ हर एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, जो किसान है वो बिच्छू को खोजना बंद कर चुके हैं और जो स्पीकर है उनकी माँ बीच में है और उनको चारों तरफ से वो किसान घेर के रखे हैं। द स्पीकर डिस्क्राइब्स ईच पीजेंट एज वेयरिंग अ फेस दैट इज पीसफुल विथ अंडरस्टैंडिंग। अब वहां पे जो स्पीकर हैं वो ये बता रहे हैं कि जितने भी किसान हैं वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं। द नेक्स्ट टू लाइन्स अलाउ फॉर क्विक प्रोग्रेशन ऑफ टाइम। अब जो नेक्स्ट टू लाइन्स है वहां पे समय जल्दी से बीत रहा है। Ezekiel lists a number of developments and additions to the story. Ezekiel क्या किए, बहुत सारे development और addition किए story में। All of the following are added to the situation. अब देखिए क्या है, more candles, more lanterns, more neighbors, more insects and the endless rain. और भी ज़्यादा candles जलाए गए और lanterns लाए गए, और भी लोग आते गए, और भी insects आते गए, और बारिश जो है वो रुकी नहीं रही थी, बारिश अभी भी कंटिन्यूअस था। द मदर इज ट्विस्टिंग ऑन द फ्लोर, ट्विस्ट करना मतलब छटपटाना, इधर उधर माउस की हो रही थी। ग्रोनिंग इन टू द मैट, ठीक है, ग्रोन करना मतलब होता है चीखना, तड़पना, ठीक है, कहराना,
इट कैन बी अज्यूम दैट क्वाइट अ लार्ज क्राउड हैज गैदर्ड अराउंड द मदर। अब यहाँ पे ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ लग गई थी उनकी माँ के वहां पे। मैनी हेयर टू हेल्प, और बहुत लोग यहाँ पे मदद करने आए थे। एंड प्रोबेबली सम देयर जस्ट टू ऑब्जर्व, और कुछ लोग सिर्फ वहां पे क्या हो रहा है वो देखने आए थे। At this point in the story, the father is introduced in the poem. और ये जो point है यहाँ पे, जो उनके पापा हैं वो story में आते हैं। He is described as being a very sensible man, rational and a skeptic. अब यहाँ पे जो उनके पापा हैं उनको बहुत ही sensible इंसान माना गया है, ठीक है। वो थोड़े शक्की भी हैं और वो rational है। skeptic का मतलब शक्की होता है, रैशनल का मतलब वो होता है जो तर्क करते हैं, ठीक है। मोस्ट लाइकली डाउट ऑफ द बिलीव्स ऑफ द पीजेंट्स। एट दिस मोमेंट दो ही इज डेस्परेट, एजिकल स्पीकर्स डिस्क्राइब हिज फादर एज ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग्स पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मोस्ट लाइकली डाउटफुल ऑफ बिलीव्स ऑफ पीजेंट्स। किसान जो सोच रहे हैं, जो बिलीव करते हैं, उस पर कौन डाउट कर रहा है, जो स्पीकर है उनके पिताजी और जो मम्मी है उनके हस्बैंड, एक ही आदमी है दोनों जन, ठीक है। और यहाँ पर वो बहुत डेस्परेट है कि उनकी बीवी ठीक हो जाए, और वो बोलते हैं कि वो जितना भी कर्स है, ब्लेसिंग्स है, पाउडर बोलिए, मिक्सचर, जड़ी बूटी, हाइब्रिड, सब कुछ ट्राई करते हैं कि किसी भी तरह उनकी वाइफ ठीक हो जाए। हिज फादर हैज़ फॉरगॉटन हिज रीजन एंड इज ट्राइंग एवरीथिंग ही कैन थिंक ऑफ इन एन एफर्ट टू सेव हिज वाइफ। अब उसके पापा कारण को भूल चुके हैं, ठीक है, और वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए जितना उनसे बन पा रहा है वो कर रहा है। वाइल द रीडर मे हैव फेल्ट सम डिस्टेंस फ्रॉम द कैरेक्टर एट दिस पॉइंट, द फादर्स डेस्परेशन फील्स रियल एंड अक्यूट। अब देखिए जो रीडर है वो यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है कि जो कैरेक्टर है, लेकिन जो उसके पापा हैं वह बहुत डेस्परेट हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। A man hopeful beyond reason that a curse or blessing will save his wife. He even goes so far as to burn paraffin on her toe. The speaker watches the flames it creates feeding on his mother just as the poison is moving through her body. So is the flame consuming her skin. The reader is then informed that all of this has been going on 20 hours. A truly painful and horrific death. Ab dekhiye यहाँ पे जो पापा हैं उनके, जो हस्बैंड आप बोल सकते हैं मदर के, वो हर कुछ ट्राई करते हैं, यहाँ तक कि उनके टो पर, उनके अंगूठे पर तेल डाल के वो भी जलाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जहाँ बिच्छू काटा है वहाँ पर अगर आप तेल डाल के जलाएंगे तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा। रीडर जो रीडर है उसको ये भी पढ़ के पता चलता है कि ये जितना कुछ है 20 घंटा से चल रहा है और ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही कष्ट से भरा है। Throughout this poem, a number of different remedies are tried in an attempt to save the mother. From what the reader can infer, none of them help. अब देखिए इस poem में बताया गया है कि उनकी मम्मी को बचाने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी औषधियाँ इस्तेमाल की गईं, लेकिन किसी का भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। Some of these practices were surely seemed absurd to modern reader. अब आजकल के लोगों के लिए कुछ कुछ ऐसा काम जैसे पैराफिन डाल के आग लगाना, ये सब एकदम हटके है और वो अब लोग नहीं करते हैं। अब्सर्ड का मतलब क्या होता है, अब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। दीज रेफरेंसेस टू ओल्डर मेडिसिनल प्रैक्टिसेस पुट डिस्टेंस बिटवीन द रीडर एंड द स्पीकर, स्पेशली इन द फाइनल लाइन ऑफ द सेवेंथ स्टैंजा इन विच। अब देखिए यहाँ पे जो है, जो रेफरेंस किया गया है, जो पहले जो मेडिसिन यूज होता था और आज जो होता है वो अलग है, इसीलिए जो रीडर है और जो स्पीकर है उसमें डिस्टेंस हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। होली मैन परफॉर्म्स हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकैंटेशन, ठीक है। अब जो यहाँ पे पंडित जी आते हैं वो क्या करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि उसकी माँ को ठीक कर दिया जाए। वो बहुत सारे मंत्र बोलते हैं, ठीक है, ताकि वो ठीक हो जाए। After this distance is in place, Ezekiel swiftly breaks down the barrier to show how truly similar the reader is, no matter where he or she is from, to the characters in the poem. They all are human and are united by the final stanza. So, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो barrier है कि सब अलग है, यहाँ पे सब एक माने गए,
क्योंकि रीडर चाहे वो जहाँ का भी हो, आप खुद क्यों ना हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को एक कर देती हैं। हम लोग एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चाइल्ड। वाइल वंस अगेन द स्कॉर्पियन इज स्पोकन अबाउट एज इफ इट चूज टू किल द मदर, द मदर्स डेडिकेशन एंड प्योर लव फॉर चिल्ड्रन ब्रिजेस द गैप बिटवीन द कैरेक्टर्स इन द पोयम एंड एनी रीडर। All can sympathize with the love felt for a child, mother or father. This woman, although distant, living in a different time and place, is just as human and real as anyone reading the poem. यहाँ पे लास्ट में ये भी बता रहे कि उनकी माँ जो ये बोलती हैं कि भगवान का शुक्रगुजार हूँ मैं, भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि ये जो बिच्छू है वो मेरे को काटा और मेरे बच्चे को छोड़ दिया। तो जो भी रीडर है, आप पढ़े हो या कोई भी इस चीज़ को पढ़ेगा, तो उसकी भी जो माँ होगी इस सिचुएशन में यही बोलेगी कि जो भी प्रॉब्लम है उस पे आ जाए, उनके बच्चों पे ना आए। चलिए आएगी, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन 18.1। कैन यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वाज इट अ डार्क नाइट? यस इट वाज अ डार्क नाइट। हैड इट बीन रेनिंग फॉर लॉन्ग? यस It had been raining for long. Now let us now read the following lines once again. I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. Parting with his poison flash of a diabolic tail in the dark room, he rests the rain again. देखिए ये जो पोयम है इसको मैं आगे समझा चुका हूँ, इसीलिए अब मैं डायरेक्टली इसका ये पढ़ रहा हूँ यहाँ पे कुछ लाइन्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करूँगा, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन 18.2, what drove the scorpion inside the house? जो बिच्छू है वो आपके यहाँ पे घर में क्यों आया? Continuous rain drove the scorpion inside the house. Okay, where did the scorpion crawl? अब रेन के कहाँ गया? The scorpion crawled under a sack of rice. चावल के बोरी के नीचे चला गया था. Okay. Choose the correct option to complete the following sentences. ठीक है, अब ये तीनों में से एक आंसर है. The word flash means a cowardly action, a quick and sudden action, a wicked action. Correct answer, a quick and sudden action. Why does he call the tail diabolic? He calls the tail diabolic because it poisons the person it stings. आप अपने वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। लेट अस रीड फर्दर। द पीजन केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज एंड बर्ज द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द एविल वन विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल्स दे सर्च्ड फॉर हिम ही वॉज नॉट फाउंड दे क्लेक्ट देयर टंग्स। अब ये वाला पोर्शन का चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। हु केम इन टू द हाउस? द पीजेंट्स केम इन टू द हाउस। वॉट इज द स्कॉर्पियन रेफर्ड टू इन द थर्ड लाइन? दिस इज द आंसर।
द स्कॉर्पियन इज रेफर्ड टू एविल वन इन द थर्ड लाइन. Why did the peasant say the name of God 100 times? To paralyze the evil one. The peasants said the name of God 100 times. To paralyze the evil one. Okay. Now let's go ahead. Whose shadow were thrown on the walls? The peasants. Shadows were thrown on the walls. Choose the correct option. The phrase click their tongues expresses the peasants' worries about the sting, the peasants' sorrow for the mother, the peasants' failure to find the scorpion. Now, the peasants' failure to find the scorpion. Now, this is the sentence which expresses click their tongues. Pick out a simile and a metaphor from the above lines. ठीक है, अब simile और metaphors के बारे में हम लोग आगे के chapters में पढ़े हैं. अगर आप हमारे videos को line से देख रहे हैं तो ये concept आपका clear होगा. ठीक है, तो चलिए करते हैं. S-I-M-I-L-E, पहले ये निकालते हैं. Peasants came like swarm of flies. ठीक है, उसके बाद metaphor. Giant scorpion shadows. ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं. Let us read on. With every movement that the scorpion made, his poison moved in my mother's blood, they said. May your suffering decrease, the misfortunes of your next birth, they said. May the sum of evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition, they said. And they sat around on the floor with my mother in the center, the peace of understanding on each face. अब चलिए ये वाला पोर्शन का क्वेश्चन आंसर सिंपल सॉल्व करते हैं. इंडेक्स क्वेश्चन 18.4. हाउ मेनी टाइम्स दे सेड हैव बीन रिपीटेड. अब ये दे सेड कितना बार यूज किया गया है? 1, 2, 3 they said has been repeated. देखिए यहां पर है, तो देखिए 1 है 2 है 3 है. ठीक है, थ्री टाइम्स. Who are they in the above lines? They are peasants in the above lines. Why did they want the scorpion to sit still? They want the scorpion to sit
still because they believed that with the movement of the scorpion, the poison moved in the mother's body. Okay. The peasant in the above lines are praying for the women. They begin each prayer with the word may. The repetitive use of the word is known as chanting. जब आप किसी भी शब्द को बार बार यूज कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो वो चैंटिंग हम लोग बोलते हैं उसको. इट ऑल्सो शोज हियर द पीजेंट्स कंसर्न फॉर द सफरिंग वुमेन. लिस्ट द प्रेयर्स दैट द पीजेंट मेक फॉर द मदर. अब बोलो क्या क्या प्रे कर रहे थे वो बताइए. मे ही सेट सेट स्टिल. मे The sins of the previous birth be burned away. May the suffering decrease the misfortunes of next birth. May the sum of evil become diminished. May the poison purify the flesh. Okay. Now we will read further and do the next part. Let us read further. More candles, more lanterns, more neighbors, more insects, and the endless rain. My mother twisted through and through, groaning on a mat. My father, skeptic, rationalist, trying every curse and blessing. Powder, mixture, herb and hybrid. He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match on it, to it. I watched the flame feeding on my mother. I watched the holy man perform his rites to tame the position with an incantation. After 20 hours, it lost its sting. My mother only said, "Thank God this scorpion picked on me and spared my children." Okay, now let's do this 18.5 index question. The poet says that his father, who was a rationalist, tried everything. What did you do? Pick out the correct answer from the options below. अब पोएट यहाँ पे क्या बता रहे हैं, उनके पिताजी सब कुछ ट्राई किए, तो वो क्या किए थे? Why did he do so? वो ऐसा क्यों किए थे? Because the father had changed, because the father wanted to do what others were doing, because the father was deeply concerned. ये दोनों गलत है, ये सही आंसर है. पूरा क्वेश्चन उतारिएगा एग्जाम में. Why did the mother feel relieved? The mother felt relieved because the scorpion bit her and spared her children. Now let's do the overall questions. Overall question, who is I in the poem?
द पोएट इज आई इन द पोएम. वॉट डज द पोएम से अबाउट अ मदर? मदर लव्स हर चिल्ड्रन मोर देन हरसेल्फ. शी वॉन्ट्स टू सेव हर चिल्ड्रन from every kind of pain.